हाय, सबका फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल में। और आज की वीडियो में मैं ये सी स्केल की फ्लूट आप प्लास्टिक पाइप से कैसे बना सकते हो ये दिखाऊंगा। अगर आप ऑनलाइन देखने जाओ तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस है जिसमें फ्लूट कैसे बनाए ये बताया गया है, तो वही सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा। जो चीज़ें मिसिंग है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि फ्लूट बनाने के कुछ नियम होते हैं, और फ्लूट बनाते वक्त हमको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मन में क्रिएट होते हैं या फिर कुछ दिक्कतें आती है, वो सब मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर ये होल है लास्ट का, वो हमने राइट में शिफ्ट किया तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा, या फिर ये ट्यूनिंग कॉर्क है इसको अंदर लेके जाओ या फिर थोड़ा बाहर निकालो तो क्या चेंज होगा, या फिर हम बजाते वक्त थोड़ा सा हवा की आवाज़ आती है, हिसिंग साउंड बोलते हैं उसको, तो वो फ्लूट में क्या प्रॉब्लम है उसके वजह से आ रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो कुछ भी चीज़ें बताने से पहले मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि मैं IIT से पढ़ा हूँ और इंजीनियरिंग का बंदा हूँ, तो जब तक मैं खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करता या फिर मुझे खुद को तसल्ली नहीं होती तब तक मैं कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस वीडियो में मैं जो भी बताऊँगा, जो भी रूल बताऊँगा, वो सब मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक आध रूल आपको समझ में नहीं आया, तो कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछो या फिर खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लो, लेकिन सीधे कंक्लूजन पे मत आओ। तो मैं अभी पहले आपको इसकी मेजरमेंट डेटा शीट दिखाता हूँ, वो आप नोट कर लो, उसके बाद आप स्टार्ट कर दें। तो अभी फ्लूट का डायमीटर कितना रखे, हर एक वीडियो में आपको सी स्केल के फ्लूट के लिए अलग डायमीटर दिखाया होगा, तो आप सोचोगे कि फ्लूट सी स्केल की है तो डायमीटर भी एक ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप छोटे डायमीटर से भी सी स्केल की फ्लूट बना सकते हो और बड़े डायमीटर से भी सी स्केल की फ्लूट बना सकते हो, ये दोनों भी सी स्केल की फ्लूट ही है, दोनों का डायमीटर अलग अलग है। जो छोटी फ्लूट रहती है उसका तार सप्तक बहुत अच्छे से बजेगा, और ये जो बड़ी फ्लूट है, बड़े डायमीटर की फ्लूट, उसका मंद्र सप्तक बहुत अच्छा बजेगा। तो ये फ्लूट है, इसका मंद्र सप्तक अच्छा बजता है, लेकिन जैसे आप तार सप्तक तक जाओगे, मतलब ये तार सप्तक का रे, तार सप्तक का ग और म, ये बचता ही नहीं इस फ्लूट में, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है। तो हम जब उसमें एयर फूंकते हैं तो वो जो प्रेशर बनना चाहिए, क्योंकि जब तक वो बड़ा प्रेशर नहीं बनेगा तब तक तार सप्तक नहीं बजेगा, तो वो जो प्रेशर है वो क्रिएट होता ही नहीं, पूरी हवा निकल जाती है। तो छोटे डायमीटर में तार सप्तक अच्छा बजता है, तो उसकी एक रेंज है डायमीटर की, उसी के बीच में आपको फ्लूट बनाना होगा। तो मार्केट में जितने भी प्लास्टिक के पाइप के स्टैंडर्ड साइजेस अवेलेबल है, उसमें से मैंने देखा तो ये मुझे स्टैंडर्ड साइज लगी, जिसमें आप मंद्र सप्तक भी अच्छे से बजा सकते हो, मध्य सप्तक भी बजा सकते हो, तार सप्तक भी बजा सकते हो। तो इसी डायमीटर के फ्लूट का मैंने मेजरमेंट दिया है, उसका ही डेटा शीट मैंने दिया है, उसको ही आप रेफर करो। अभी हम फ्लूट बनाने की प्रोसीजर चालू करते हैं, मैं एक एक स्टेप बताते जाऊँगा। पहले आप पाइप को जो मैंने डेटा शीट में माप दिया है उस माप में काट लो, उसके बाद आप उसमें ये कॉर्क लगा लो, स्टॉपर या फिर कॉर्क जो भी आप कहो उसको लगा लो। तो अब ये कॉर्क किस मटेरियल का होना चाहिए, तो ये आप प्लास्टिक का भी बना सकते हो, रबर का बना सकते हो, कॉर्क का भी बना सकते हो, इससे बस आपकी फ्लूट एक साइड से स्टॉप होनी चाहिए। तो मैं मोस्टली 3D प्रिंटेड प्लास्टिक का कॉर्क यूज़ करता हूँ PVC फ्लूट के लिए, क्योंकि उसके शेप में मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके एक फाइंड आउट किया है कि जो कॉर्क का अंदर का एंड होता है, वो अगर आप फ्लैट की जगह पे थोड़ा सा ऐसा करोगे, मतलब ये मैंने बहुत ज़्यादा दिखाया, लेकिन ऐसा अगर अंदर से थोड़ा सा गोल इस तरह का बनाओगे तो फ्लूट काफ़ी अच्छे से बजती है, बहुत कम एनर्जी में भी आप फ्लूट को बजा सकते हो। और अभी ट्यूनिंग कॉर्क का रूल बताता हूँ, आप कॉर्क को अंदर लोगे तो तार सप्तक की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, मंद्र सप्तक की उतनी नहीं चेंज होगी, थोड़ी सी होगी, लेकिन तार सप्तक की काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। तो अगर आप तार सप्तक को ट्यूनिंग कर रहे हो, मतलब आपकी फ्लूट तार सप्तक में अच्छे से नहीं बज रही, तो कॉर्क की लेंथ आप एडजस्ट करके उसको ट्यून कर सकते हो। तो ट्यूनिंग कॉर्क लगाने के बाद आप ब्लोइंग होल की तरफ आओ, पहले आप लिप प्लेट लगाओ। तो ये लिप प्लेट मैंने ये PVC के पाइप का एक टुकड़ा निकाला है और उसको होल करके उससे आप ये लिप प्लेट बना सकते हो। ये लिप प्लेट बनाने के बाद आप उसको ऐसे बस चिपकाओ, ठीक है, और ब्लोइंग होल बनाओ। तो अभी ब्लोइंग होल के कुछ नियम देखते हैं। जैसे ही आप
ब्लोइंग होल का डायमीटर बढ़ाओगे, उसका साइज बढ़ाओगे, तो पूरे फ्लूट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मतलब सेपरेट होल की नहीं, सारे के सारे फ्लूट की, हर एक होल की फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ेगी। और एक चीज़ है, आप ये ब्लोइंग होल का डायमीटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 mm तक बढ़ाओ, उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो वो हिसिंग साउंड आएगा, हवा का साउंड उसमें आएगा इस तरह से। ओके, तो अभी ट्यूनिंग कॉर्क हो गया, ब्लोइंग होल भी हो गया। अब उसके बाद आपको सीधे जाना ही है होल नंबर 7 पे, लास्ट होल पे। कुछ लोगों को लगता है कि अभी यहाँ से जा रहे तो कॉर्क बनाओ, ब्लोइंग होल बनाओ, फिर पहला से दूसरा तीसरा ऐसे बनाते जाओ। नहीं, आप लास्ट होल में जाओ, उसको बनाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करो, फिर 6th पे आओ, फिर 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, ऐसे करते जाओ। तो अभी इन होल्स के रूल्स के बारे में सोचते हैं। कोई भी होल ले लो आप, साइज बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, साइज कम करोगे फ्रीक्वेंसी कम होगी, सिर्फ उसी होल की, बाकी होल्स में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ब्लोइंग होल का साइज आप बढ़ाओगे तो सबकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर होल की साइज बढ़ाओगे तो सिर्फ उसी की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये हो गया साइज का नियम। और अभी डिस्टेंस का नियम बताता हूँ मैं। इस होल को आप अगर इस साइड में, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, मतलब ब्लोइंग होल से दूर शिफ्ट करेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत काम में आएगा। तो ये सारे नियम थे, अभी मैं इसको बजा के दिखाता हूँ। तो प्लास्टिक की पाइप की फ्लूट कैसे बजती है आपको समझ में आएगा। अच्छी बजती है। तो पूरी रेंज आप बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फ्लूट बनाने के बाद जो भी ट्रबल शूटिंग होती है या फिर हमारे दिमाग में जो भी सवाल आते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी फ्लूट बजाते हैं तो हिसिंग की साउंड बहुत आती है, हवा की साउंड आती है बहुत, तो आपका ब्लोइंग होल बहुत बड़ा हो गया है, ये हो सकता है। और फ्लूट कभी कभी बहुत कम बजती है, मतलब वैसे अच्छे साउंड में नहीं बजती, बड़ी नहीं बजती, उसका वॉल्यूम कम रहता है, तो आपका ब्लोइंग होल बहुत छोटा हो गया, उसको थोड़ा आप बड़ा कर सकते हो। उसके बाद आपका मध्यम स्वर बजता है, मंद स्वर बजता है, लेकिन तीव्र स्वर में, तार सप्तक में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो आपका ट्यूनिंग कॉर्क का प्रॉब्लम है, उसको आप अंदर बाहर करके एडजस्ट कर सकते हो। और अभी कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि ये जो राइट हैंड है ये रखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मतलब ये ध और प, ये जो होल है उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो हाथ रखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसको हम क्या, ये बीच वाला होल है उसको थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं हम, उसको थोड़ा सा आप 1-2 mm से शिफ्ट करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फिर उसका आप थोड़ा साइज बढ़ाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी अप हो जाएगी, फिर वो मैच हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ही शिफ्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट करोगे तो ऑलरेडी ये होल थोड़ा बड़ा रहता है, तो अगर बहुत ज़्यादा शिफ्ट करोगे तो वो होल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप बंद ही नहीं कर सकोगे उसको, फिर उससे हवा जाएगी, फिर अच्छे से बजेगी नहीं फ्लूट अच्छे से। और एक प्रॉब्लम है कि जब आप तार सप्तक में बजा रहे होते हो तो फ्लूट बहुत ज़्यादा आवाज़ फटता है या फिर वाइब्रेट करती है, तो उसका रीज़न है कि फ्लूट का जो मटेरियल है बहुत पतला लिया है आपने, थोड़ा सा थिक होना चाहिए, या फिर आपने ये लिप प्लेट नहीं लगाई है, उसके वजह से तार सप्तक में आवाज़ फटता है या फिर फ्लूट थोड़ी वाइब्रेट होती है। तो लिप प्लेट लगाओ, उससे भी नहीं हो रहा तो
फ्लूड थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस की पाइप लाओ आप। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरा दिल एकदम खुश हो गया। आप सबका भी दिल हमेशा ऐसे ही खुश रहे और हमारे चैनल के साथ आप बने रहे। तब तक के लिए बाय बाय।